बात करेंगे कि कैसे आपको स्ट्रीम चूज करनी है। आप लोग क्या ध्यान रखोगे जब स्ट्रीम चूज करोगे, वन बाय वन तीन स्ट्रीम्स है, मोस्ट ओवरऑल तीन ही होती है, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस तीन ही होती है, ठीक है, उसी में अलग अलग डिवाइडेशन कर दिए जाते हैं बाद में। तो मुझे ये बताओ आप में से जब आप स्ट्रीम चूज करेंगे क्या ध्यान रखेंगे, बताओ किस बेस पे आप स्ट्रीम चूज करोगे? परसेंटेज के हिसाब से आपका भी तो पहले कोई ना कोई टारगेट होगा कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है ना। सपोज दैट आपके अच्छे नंबर आए, कैसे चूज करोगे? साइंस चूज करोगे, ओके। कितने बच्चे यहाँ पे साइंस चूज करना चाहते हैं? बाकी कॉमर्स कितने करना चाहते हैं? बस सब आर्ट्स करोगे। अच्छा ठीक है, ओके, आर्ट्स ही बढ़िया है, ठीक है, ओके। किस बेस पे आपने सोचा कि आर्ट्स बढ़िया है? हाँ, स्टडी के बेस पे आर्ट्स आपने क्यों चूज करोगे? आप आर्ट्स इजी लगता है आर्ट्स आपको, और क्यों चूज करोगे आर्ट्स? कॉमर्स लोगे, आर्ट्स क्यों चूज करोगे? किस किस को जाना है इंडियन आर्मी में? ग्रेट, आपकी तो हाइट बहुत कम है दोनों की, बढ़ जाएगी। अच्छा हाँ, इंडियन आर्मी में जाना, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, इनको तो देश की सेवा करनी है, ओके। और क्यों लेना है आप, क्यों चूज करेंगे? इजी है, ओके ठीक है। वैसे बहुत अच्छी बात ये है कि आप लोगों को पहले से ही पता है आपको चूज क्या करना है, और ज्यादातर ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे आर्ट चूज करना है, ठीक है। ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि आपको अपना लेवल पहले से ही पता है और आपने उस लेवल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया है कि आपको आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। ये एक अच्छी चीज है। आवाज सही आ रही है? गुड, ओके। तो मेरे को एक बात ये बताए, जैसे कि स्ट्रीम चूज करने में मैं वैसे आप लोगों का मेरे को ये क्लैरिटी बहुत अच्छा लगा। यूजुअली स्टूडेंट्स में ये क्लैरिटी कम होता है, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक पॉइंट सजेस्ट यहाँ पे करूंगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट वो लेना है जो आप हैंडल कर सके, जिसको आप झेल सके, ठीक है। मम्मी के प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके, ट्यूशन टीचर के प्रेशर में आके, स्कूल टीचर के प्रेशर में आके, या आपके कुछ नंबर अच्छे आ गए और स्कूल वालों ने बोला नहीं आपको तो कॉमर्स ले लेना चाहिए, नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, समझ गए? तो जो आप हैंडल कर सकते हैं उसको ही लेना है, बाहर के किसी भी शोर से आपको बचना है। समझ आ रहा है कि नहीं? आर्ट्स अच्छी नहीं होती, आर्ट्स में तो सारे नालायक स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, ऐसा होता है ना, सुनने को मिलता है ऐसा? नहीं, कॉमर्स आपको वैसे नहीं देते परसेंटेज देख के, वो आपसे फिर भी आपकी चॉइस पूछेंगे। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आई है, राइट, तब भी ये पूछा जाएगा स्कूल की तरफ से कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपके ऊपर कुछ भी थोप देंगे, ये स्कूल की चॉइस नहीं है, स्कूल से कुछ और उसकी परसेंटेज थोड़ी डाउन है, तब स्कूल आपको सजेस्ट करेगा कि बेटा आपकी परसेंटेज कॉमर्स के लिए काफी नहीं है, आप क्या करें आर्ट्स ले लें, ठीक है। ऐसे कंडीशन में वो आपको सजेशन देते हैं, बट इन केस आपको आर्ट्स लेनी है लेकिन आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, तो वो आपको फोर्स नहीं करेंगे नहीं आप कॉमर्स लो, आपकी चॉइस है कि आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी ये है या पॉइंट ये है कि आपको उसी स्ट्रीम को चूज करना है। यहाँ पे हमें पॉइंट का ध्यान रखना है कि बाहर के शोर को नहीं सुनना, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, हर स्टूडेंट की अपनी क्वालिटी होती है और उसी के हिसाब से उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। तो जो सब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट आपको इजीली समझ आ रहा है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद आ रहा है, आपको उसी सब्जेक्ट के साथ जाना है। क्लियर है? ठीक है, स्ट्रीम को लेके अभी किसी के दिमाग में कोई डाउट है? हाँ नहीं है, है तो पूछो, अभी किसी को डाउट है स्ट्रीम को स्ट्रीम को कैसे चूज करना है? नहीं, ठीक है। तो किसी भी तरह के शोर को नहीं सुनना, अपनी चॉइसेस पर फोकस करना है, आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। देखिए बच्चे, जब आप टेंथ में होते हैं तो टेंथ के बाद जब आप इलेवेंथ में सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो स्ट्रीम चूज करते हैं वही आपके पूरे भविष्य को निर्धारित करता है।
सपोज दैट जैसे मैं हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैंने 10th के बाद आर्ट्स चूज किया जबकि मेरे सब मार्क्स अच्छे थे, लेकिन मैं फिर भी आर्ट्स के साथ गई क्योंकि मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अपनी सारी एजुकेशन, जब मैंने आर्ट्स ली तो उसके बाद पूरा करियर मेरा आर्ट स्ट्रीम में गया। मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस ली, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर किया, एमफिल किया, ग्रेजुएशन किया, पीएचडी में कर रही हूँ, तो मेरी पूरी एजुकेशन उसी में हुई, ठीक है। टीचिंग में, लेक्चरशिप में मैंने काम किया, तो यानी कि मेरी चॉइस जो मैंने 10th के बाद 11th में ली थी, उसी चॉइस में मेरा फ्यूचर डिसाइड किया, राइट। ऐसे ही आप लोगों का होगा, लेकिन गलती कहाँ होती है, सपोज दैट क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट प्रेशर में आके साइंस ले लेते, कॉमर्स ले लेते, ऐसा होता है। आपने भी अपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा, और वो जो गलत स्ट्रीम लेने के बाद उसको हैंडल नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है, वो बच्चे ना तो कॉमर्स समझ पाते हैं और ना ही वो आर्ट्स समझ पाते हैं, अंत में क्या होता है, फिर वो आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाते हैं। पहले कॉमर्स में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, साइंस में करेंगे, वो समझ नहीं आएगा, फिर आर्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है, और फिर उन्हें कभी आर्ट्स ही समझ नहीं आती, ठीक है। तो यानी कि वो हमेशा एक डिलेमा में जीते रहते हैं, तो इस गलती से बचना है, क्योंकि ये गलती ना सिर्फ आपको आपका टाइम बर्बाद करेगी, इसके अलावा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर लेकर आएगी, आपको डिप्रेशन एंजाइटी में लेके आएगी, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी।